हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी विद याशिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को। ये पार्ट थ्री रहेगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम टू पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पार्ट रहेगा पीआरटी के क्वेश्चंस का। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही जो है पीडीएफ वगैरह वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगी मैं आपको। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या रहेगा। तो देखिए, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ, कोर्ड्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, यानी कि एक सर्कल है जिसके अंदर ए बी और सी डी क्या हैं, दो पैरेलल कोर्ड्स हैं। ये होगी ए बी एंड नेक्स्ट इज सी डी, राइट। इसके बाद क्या बोला गया है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओ। ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स इज 34 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया कितने का, 34 सेंटीमीटर का। देन द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज, और सेंटर यहाँ पर क्या बोला गया, विथ सेंटर ओ, यहाँ पर सेंटर ले लिया इसका ओ। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है, डायामीटर निकालना है। डायामीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, पहले रेडियस। रेडियस निकल जाएगी तो डायामीटर भी निकल जाएगा। डायामीटर किसके इक्वल होता है, टू टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, इस तरह से हम डायामीटर निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट यहाँ से आपने देख लिया, अब सॉल्यूशन को देखिए। देखिए सबसे पहले क्या गिवन, सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक सर्कल ले लिया, उसके अंदर देखिए ए बी की वैल्यू जो थी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर। तो उसको हम जब सेंटर के अंदर, यानी कि ये जो सेंटर से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा वो उसे क्या कर देगा, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। ये पूरी 20 थी तो कितनी हो जाएगी, अब 10 यहाँ तक हो जाएगी और 10 यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नीचे कितनी थी वैल्यू सी डी की, 48, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 24, और ये वाला हाफ पार्ट भी कितना हो जाएगा, 24। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू थी, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 34। मान लीजिए यहाँ सेंटर हो गया, ये सेंटर था ओ, यानी कि अगर इसका हाफ पार्ट हम अगर ए माने तो बाकी का बचा हुआ जो ये वाला हाफ पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 34 माइनस ए, क्योंकि ए प्लस 34 माइनस ए अगर आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, वापस से 34 मिल जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक वैल्यू ए हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी, 34 माइनस ए। इस तरह से हमने इसके बीच के डिस्टेंस को भी डिवाइड कर लिया। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, देखिए यहाँ से सेंटर से जब हम इसे सेंटर से यहाँ पर देखिए सेंटर से बी तक मिलाएंगे और सेंटर से ओ से डी तक मिलाएंगे तो ये पार्ट क्या हो जाता है, इस तरह से सेंटर से लेकर के यहाँ पर लेके जाते हैं तो ये किस क्या वैल्यू मिल जाती है हमें, रेडियस। ये क्या रहती है, सर्कल की रेडियस रहती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एक तरह से कि ये जो इस तरह से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, या फिर आप देख लीजिए इस तरह से अगर हम कहें ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कर्ण के स्क्वायर के, या फिर इधर स्क्वायर रूट लगा दिया तो हमने कर्ण के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आर, सॉरी एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये जो ये वाली वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर एच को हमने क्या लिया, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला, वो कितना है, 34 माइनस है, 34 माइनस है। ठीक है, और बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास कितना है, 10 है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ एच की वैल्यू, यानी कि देखिए इस तरह से, और उसके बाद नीचे वाले पार्ट की बात करें, जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर क्या होगा, नीचे बेस कितना है, 24। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, ए, और आर की वैल्यू हम निकालेंगे। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस में ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल से आर निकालेंगे, एक नीचे वाली ट्रायंगल से आर निकालेंगे, हैं तो दोनों रेडियस और एक ही सर्कल की, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडियस की वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जब हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल, यानी कि ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस में 34 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से किया, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे पार्ट से क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर ये दोनों रेडियस है, इन दोनों को इक्वल रख दिया, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 34 माइनस ए का स्क्वायर, 34 माइनस ए का स्क्वायर हमें निकालना है, तो वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी के स्क्वायर का। ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस
टू ए बी, ये फॉर्मूला रहता है ए माइनस सॉरी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस, यहाँ पर होता है माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1156, प्लस में बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है ए, ए का स्क्वेयर माइनस टू ए बी करेंगे, माइनस टू ए, ए की वैल्यू कितनी है 34 और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है ए है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 68 है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद इधर से हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली आर की वैल्यू को इसके इक्वल पुट करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब हम 576 को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 100 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमें 680 मिल जाएगी, और ये 68 ए यहाँ माइनस में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 68 ए हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू 680 अपॉन में 68 करेंगे, इसको कैंसिल करके ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, ए की वैल्यू हमें 10 मिलगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए अब हम चेक करेंगे इन ट्रायंगल ओ एम डी, तो देखिए ट्रायंगल ओ एम डी कौन सी ट्रायंगल है, यहाँ पर ओ ये हो गया एम, ये हो गया डी, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आर की वैल्यू किस तरह से मिल जाएगी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो देखिए यहाँ तक हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में ए की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें 10 मिल चुकी, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 576 करेंगे प्लस में यहाँ पे 100 आएगा, तो 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा 6, यानी कि एक सेकेंड, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस में क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 576 प्लस 100 कितना मिल जाएगा 676, और 676 जो है 26 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 676, और इस तरह से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 26, r की वैल्यू 26 मिल गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, डायामीटर निकालना है हमें, तो डायामीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस करेंगे यानी कि रेडियस का दो गुना, यानी कि रेडियस की वैल्यू हमारे पास 26 आ चुकी है तो उसका हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 52, तो 52 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछिएगा, ओके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो डाउट क्लियर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक क्यूबिकल इक्वेशन गिवन है आपको x³ - 3x² + 3x - 2, इसमें से कोई एक फैक्टर, ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि एक फैक्टर क्या रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जब यानी कि जो ये क्यूबिकल इक्वेशन है यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी कि जो इस इक्वेशन की वैल्यू हमें 0 दे दे, ठीक है। तो अगर हम x को पहले 1 पुट करके देखेंगे फिर 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है, जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, x³ - 3x² + 3x - 2 ये हमारी क्यूबिकल इक्वेशन थी, हमने पुट किया जब x की वैल्यू को 2, जब हम x की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ x का क्यूब है, ठीक है, तो यानी कि 2 का क्यूब करेंगे कितना मिल जाएगा 8, -3 इंटू x का स्क्वेयर, यानी कि -3 × x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4, यानी कि -12 मिल जाएगा, यहाँ हमने रख दिया -12, प्लस 3x करेंगे 3 × x की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा 6 और -2, यानी कि उसके बाद देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें वैल्यू, यहाँ देखिए -12 और -2 कितना मिल जाएगा माइनस का 14 मिल जाएगा, और यहाँ से 8 और 6 कितना हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, वैल्यू हमें कितनी मिलगी 0, ये वैल्यू कब मिली है, जब हमने x को कितना पुट किया 2, x को हमने कितना पुट किया 2 पुट किया है, तो x की वैल्यू 2 है, x को इस साइड हम लेके आएंगे तो 2 कितने का, 2 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो कितना हो जाएगा x - 2 = 0, यानी कि एक फैक्टर तो रहेगा x - 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा फैक्टर निकालने, x - 2 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो x - 2 से हम क्या कर देंगे, इस पूरी क्यूबिकल इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड किस तरह से करते हैं, देखिए x - 2 है, बीच में क्यूबिकल इक्वेशन रख दी, उसके बाद हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले एक्स क्यूब है, हमें इस वैल्यू से एक्स क्यूब बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं हम, एक्स की मल्टीप्लाई जब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करवाएंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराई, यहाँ पर एक्स क्यूब मिल गया। माइनस टू की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराई तो क्या मिल गया, माइनस का टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, एक्स क्यूब प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का, और ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर देखिए प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में से प्लस का टू एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या मिल गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने क्या ले लिया, प्लस का थ्री एक्स। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या मिल गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स से अब हम माइनस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से बना सकते हैं हम, इसको देखिए, जब हम एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के एक्स से करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का एक्स स्क्वायर हमें इस तरह से मिल गया। अब माइनस टू की मल्टीप्लाई भी माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस था तो इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स में से माइनस का टू एक्स करेंगे माइनस, तो कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। और ऊपर से हमें यहाँ पर क्या मिल गया, उसके बाद माइनस टू। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ भी एक्स माइनस टू है और यहाँ भी एक्स माइनस टू, यानी कि सेम वैल्यू है। तो क्या कर देंगे, प्लस टू, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, प्लस वन। प्लस वन से करवाएंगे, जब हम एक्स की मल्टीप्लाई प्लस वन से की तो यहाँ एक्स मिल गया नीचे, और माइनस टू की मल्टीप्लाई प्लस वन से की तो माइनस टू मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस था तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का टू था तो प्लस का टू हो जाएगा। ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जीरो वैल्यू मिल गई हमें। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास फैक्टर क्या आ चुका है, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन। ये हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, जो कि ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू के अंदर ये वैल्यू है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह की इक्वेशन गिवन थी हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन थी हमारे पास। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि वैल्यू को कुछ इस तरह से पुट करना होगा, जो हमें पी की वैल्यू को हमने वन पुट किया, क्यू की वैल्यू को टू पुट करा, या थ्री की वैल्यू को, आर की वैल्यू को थ्री पुट किया। ये कुछ वैल्यूज़ हमने खुद की तरफ से पुट करके देखी। जब हम ये पुट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ हमें पुट करनी होती है जो कि एक रियल रूट, किस तरह से मिलते हैं रियल रूट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की हमारी जो है स्क्वायर के अंदर इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो जब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू फोर ए सी मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो कंडीशन हो जाती है, वैन द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, ये रूट्स इक्वल कब मिल रहे हैं हमें, जब हम पी की वैल्यू को वन पुट कर रहे हैं, क्यू की वैल्यू को टू पुट कर रहे हैं, और आर की वैल्यू को थ्री पुट कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि अगर ये वैल्यूज पुट करने पे क्या हमें इस तरह की इक्वेशन फुलफिल होती हुई मिलती है या नहीं। तो देखिए उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब हमने क्यू माइनस आर किया, क्यू की वैल्यू टू है, आर की वैल्यू थ्री है, तो टू माइनस थ्री करेंगे तो कितना मिल गया, माइनस का वन, यहाँ से माइनस वन इंटू में क्या है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आर की वैल्यू थ्री है, क्योंकि पी की वैल्यू वन है, तो थ्री माइनस वन के टू मिल गया, यहाँ से टू एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए पी की वैल्यू कितनी है वन, और क्यू की वैल्यू कितनी है टू, तो वन माइनस टू करेंगे तो माइनस का वन, और इंटू में तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन यहाँ इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए सी, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके अंदर देखिए किस तरह से वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का वन। ठीक है, माइनस का वन मिल जाएगी ए की वैल्यू। उसके बाद देखिए बी एक्स, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास टू। ठीक है, बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, टू मिल गई है। उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस वन, सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है माइनस का वन। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है टू, यहाँ पुट कर दिया टू का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फोर, फोर इंटू ए की वैल्यू माइनस वन और सी की वैल्यू भी माइनस वन, तो टू का स्क्वायर कितना आ गया फोर। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फोर की मल्टीप्लाई माइनस वन से फिर से माइनस वन की, तो भी ये भी क्या आ गया फोर, तो फोर इक्वल टू फोर, यानी कि ये इक्वेशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, फोर ए सी के इक्वल मिल गई। ठीक है, फोर ए सी के इक्वल मिल गई। अब हम ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे, ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे इस वैल्यू को पुट करके। देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, जब हम फर्स्ट ऑप्शन में पुट करेंगे तो हमें ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तो देखिए पी क्यू और आर की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू वन, क्यू की वैल्यू टू ली थी हमने, और आर की वैल्यू कितनी ली थी, थ्री। तो देखें पुट करके वन टू और थ्री, पी की वैल्यू वन, क्यू की वैल्यू टू और आर की वैल्यू थ्री, ये वैल्यूज थी हमारी जो हमने
जिससे हमारी कंडीशंस फुलफिल हुई। तो यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में पी को हमने पुट किया 1 प्लस क्यू को पुट किया 2 इज इक्वल टू 2 आर, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ तो 6 आ गया, यहाँ 3 आया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया यहाँ से। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन के अंदर पुट करके देखेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 4 और यहाँ से भी कितना मिल गया 4, तो 4 इक्वल टू 4 मिल चुका है हमें, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सम अमाउंट्स टू रुपीज 37632 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कैसा इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर डबल द अर्लियर पीरियड, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, लेकिन किसके ऊपर निकालना है, जब जो है डबल कर दिया जाता है। ठीक है, डबल करने के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो एक बात कहना चाहूँगी मैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अभी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं लग रही हैं। ठीक है, कुछ कमी है तो वो भी बताएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप देख लीजिए 12% रेट कितना है, 12% है, अमाउंट देख लीजिए 37632 ये है। ठीक है, 37632 का यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है और हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट थी, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन था, रेट गिवन था कितना था 12%। 12% को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 12% को सॉल्व करेंगे यानी कि 12/100 करेंगे, उसको कट करके 13/25 यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बात कितनी की हुई है, पहले टाइम कितना है, दो साल है, तो 25 का स्क्वेयर कर देंगे, 25 का स्क्वेयर करेंगे तो 625 मिल जाएगा, राइट। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि 2 साल के लिए इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो पहले तो सबसे पहले क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो किस रेट से मिल रहा है, रेट रह रही है 3/25, तो 625 का जब हम 3/25 से रेट फाइंड आउट करेंगे, इसको कट करके हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 75। तो यहाँ पर पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 75, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट हो गया 75। ठीक है, तो दूसरे साल में क्या होगा कि पहले साल के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 75 का इंटरेस्ट भी किस रेट से कैलकुलेट होगा, 12% से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 9। तो यहाँ से 75 पे कितना इंटरेस्ट मिला, 9 मिल गया। तो ये टोटल वैल्यू किसकी हो जाती है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर देखिए 75 और 75 तो सिंपल इंटरेस्ट था, और 9 जो हमें मिला वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, तो 75 + 75 150 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 159 हो चुका। ठीक है, और सबसे पहले ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये प्रिंसिपल की होती है 625। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ठीक है, प्लस में 159 करेंगे जब, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमें, 784। ये हमारे पास क्या आ चुका है, अमाउंट आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट कितना गिवन था, क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट गिवन था 37632, क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट गिवन था, लेकिन हमारा अमाउंट कितना आया, 784 आया। इसका ये कितने गुना है, 784 को जब हम इसे मतलब कि इस वैल्यू को 784 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये 48 गुना आएगा, कितने मल्टीप्लाई 48, अगर ये 48 गुना है तो उसके बाद हमें बोला क्या गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने की वैल्यू से हमें निकालनी है अमाउंट की वैल्यू। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने से, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था हमें, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 75 + 75 जो हमने किया था, हमें कितनी वैल्यू मिल गई थी, 150 वैल्यू मिल गई थी, लेकिन इसका 2 गुना करके, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बोला था ना क्वेश्चन में, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 300, और सबका देखिए अमाउंट के अंदर 48 गुना जब हमने किया तो इसका भी हमें सिंपल इंटरेस्ट में भी क्या करना पड़ेगा, 48 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 14400। ठीक है, तो यहाँ से 14400 ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 2002 cm³। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वेयर
और पाई की वैल्यू बोली गई है यहाँ पर हमें लेनी है 22/7, 22/7 हमें पाई की वैल्यू को लेके चलना है। और हमें बोला क्या गया, हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है, डायामीटर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दी गई है 2002 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इन सब वैल्यू का यूज़ करके हम निकालेंगे टोटल सर्फेस एरिया। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डायामीटर गिवन है, सबसे पहले हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है, 14। डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 7 हो जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम गिवन है 2002 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ये गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, किसकी वॉल्यूम चाहिए हमें, किसकी बात हो रही है, देखिए सिलेंडर की, तो सिलेंडर की वॉल्यूम देखिए किसके इक्वल होती है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, रेडियस आ चुकी है हमारे पास 7। उसके बाद देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ हमें गिवन कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 2002। पाई की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में बोली गई है, यूज़ करनी है 22/7, रेडियस आ चुकी है 7 क्योंकि रेडियस का स्क्वेयर है, मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू हमें नहीं पता तो यहाँ पर एच का एच पुट कर देंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कट करेंगे, 7 से इसको कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कट कीजिए यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद जाएगा 8 पे और ये फिर हो गया 6 पे, यहाँ तक कट हो जाएगा। उसके बाद 22 से कट करना है, तो देखिए किस तरह से कट करेंगे, मान लीजिए इसको हम कट कर पाएंगे किसे, 11 से कट कर लेते हैं, 11 2 जो 22, और यहाँ पर देखिए 11 2 जो 22, 11 6 जो 66 हो गया। अब 2 से इसको कट करेंगे कितना मिल गया, 13, तो यहाँ से h और यहाँ से 13, h की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ से 13 वैल्यू मिल गई है h की, h की वैल्यू 13 मिल चुकी है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr इंटू में r प्लस एच, ये वैल्यू रहती है फॉर्मूले की। तो उसके बाद 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी बोली गई है, 22/7 यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी थी, 7, आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू हमारी निकल गई है 13। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगा, और 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 44 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 880 हमारी क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 880 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ओके गाइस, आई होप आप सभी को आज के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।